अंदर जी पप्पू यादव का कोई अंतर नहीं जी, शिखंडी सब सबको ले आए ये आप भी के जानते हैं रिश्ता, हम लोग अकेले बच्चे आए थे तो इनको हमारे पार्टी के कई लोग नमस्कार। आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फोर नेशन पर। राजनीति में दो विरोधी जब एक साथ किसी कार्यक्रम में मिल जाएं तो क्या कुछ होता है, सुनवाएंगे आपको। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जनअधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव बिहार के शेखपुरा में एक शादी समारोह में एक दूसरे से मिले और मिलने के बाद ही वहां पर खूब बातचीत हुई। गिरिराज सिंह के सामने जो है पप्पू यादव ने बीजेपी के कई नेताओं को शिखंडी तक कह दिया, तो गिरिराज सिंह ने पप्पू यादव को की विद्वता को लेकर के कहा कि आपकी विद्वता का तो कोई सानी नहीं है। किस तरीके से दोनों के बीच में बातचीत हुई और किस तरीके से जब पप्पू यादव और गिरिराज सिंह जो है मिले तो किस तरीके से कई बीजेपी के नेताओं पर जो है बड़ी बड़ी बातें कही गई, जिसमें नित्यानंद राय शामिल थे, भूपेंद्र यादव शामिल थे, नंद किशोर यादव शामिल थे। इन लोगों के बारे में क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह ने और गिरिराज सिंह की बात सुन करके किस तरीके से पप्पू यादव ने अपनी बात कह के एक तरीके से कहे कि जो है घिघी बनवा दी, सुनवाते हैं आप। आप तो तेजस्वी कोशिश तो करते भूपेंद्र जी पप्पू यादव में कोई अंतर नहीं जी, शिखंडी सब सबको ले आए ये आप भी के जानते हैं रिश्ता, हम लोग अकेले बच्चे आए थे तो इनको हमारे पार्टी के कई लोग अभी भी तो मोदी जी से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था, अटल जी से बहुत अच्छा रिलेशन आज भी आज भी सदन में सर चार बार आप लोगों ने हमको अवार्ड दिया ना, हमको मेरी बीवी भाई अवार्ड तो दूसरा अवार्ड मिलता है वो, अब जब तक बिहार में लालू जी का अवार्ड नहीं मिलता है कोई अवार्ड नहीं मिलता। आपको अवार्ड लेना है ना सर, हाँ बूढ़ा क्या लेंगे आपको, अब आप अभी नौजवान है, ये नौजवान है, ये नौजवान है, 12 साल बड़ी हो जाता है ना, 15-16 साल तो बाप बेटा नहीं करता है, बुरा नहीं अब चुनाव आप नहीं लड़े चुनाव लड़ना नहीं लड़ना पार्टी कर लो, हम अपने सवाल किया हम अब आया हम अपने उम्र का लिहाज आते हैं, अब हम लोग इसीलिए आपसे देखिए उधर देख पूछे क्या उम्र में आप चुनाव नहीं लड़िएगा, यही बात है वो तो पार्टी जवाब कर ही दिए, चुनाव तो नौजवान भी पिछड़ा नहीं लड़ पाता क्या, चुनाव अगर उम्र से होता ना जब आपने आपकी पार्टी तय की है अरे व्याकरण में अपार शब्द नहीं सुने अपार शब्द तो व्याकरण का और राजनीति का दोनों की दो व्याख्या।